क्या आप जानते हैं कि आखिर दवाइयों पे इस तरह के ग्रुप्स लाइन क्यों बने होते हैं? वहीं कुछ दवाइयों में कोई भी लाइन नहीं होती है, लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दवाइयों का डोज जो होता है उस एमजी यानी मिनी ग्राम में तय किया जाता है। जहां एडल्ट के लिए समानता 500 एमजी का डोज होता है, वहीं बच्चों के लिए 250 एमजी का डोज दिया जाता है। जिन दवाइयों में ग्रुप्स लाइन बने होते हैं उसका मतलब होता है कि आप दवाइयों को बीच से तोड़कर खा सकते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 500 एमजी वाले पैरासिटामोल के ऊपर में ये लाइन बनी होती है, तो इसका मतलब यह है कि 18 साल की कम उम्र वाले बच्चों को इसे तोड़कर दिया जा सकता है। एक ग्रुप्स लाइन नॉर्मली हाई डोज जैसे कि 500 एमजी या 1000 एमजी दवाइयों पर ही बने होते हैं, क्योंकि दोस्तों दवाइयों को डोज की आवश्यकता अनुसार कम किया जा सके। अगर कुछ दवाइयों पर ये लाइन नहीं होती है तो इसका मतलब यह होता है कि इस दवाइयों को बीच से तोड़कर खाने के लिए नहीं बनाई गई है। ऐसा माना क्योंकि दवाइयों को केमिकल कंपोजिशन के कारण होती है। कुछ दवाइयों पर खास तरह की कोस्टिंग की गई होती है ताकि वो पेट में जाने के बाद धीरे धीरे घुल सके। इन दवाइयों को बीच से तोड़ने पर कोस्टिंग खराब हो सकती है, जिसकी वजह पेट में देर से घुलने की बजाय वो जल्दी घुल जाएंगे और दवाइयों को काम करने के तरीकों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।